नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंगराज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबर की ओर। सेकड़ा खेड़ी से लापता हुई 16 साल की नाबालिग लड़की भोपाल की रातीबर से मिली। मामला 20 दिन पुराना है, जब नाबालिग लड़की के पिता संतोष ने थाना कोतवाली में आकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग लड़की को राकेश नाम का लड़का, जो कि उन्हीं के गाँव में रहता है, बहला फुसला कर ले गया है और उसकी जान को भी खतरा है। सीहोर पुलिस ने मामले की छानबीन करी तो सूत्रों से मालूम पड़ा कि एक नाबालिग लड़की भोपाल की रातीबड़ में देखी गई है। कोतवाली थाना प्रभारी नरील बुधोलिया ने उस जगह को लोकेट किया और अपनी एक टीम को भेजकर दबिश डाली, लेकिन आरोपी राकेश वहां से फरार हो गया था और नाबालिग लड़की को लेकर उनकी टीम सीहोर कोतवाली लाई एवं पीड़िता का मेडिकल कराया गया। TI नरील बुधोलिया ने बताया कि आरोपी राकेश को भी बाद में पुलिस ने सीहोर के गंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है तथा लड़की के बयान और मेडिकल के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 376 और अपहरण का मर्ग कायम किया है। सीहोर से खालिद खान की रिपोर्ट। ये एक नाबालिग लड़की थी जो बिजलौन के पास के एक गांव की थी। वो 27 अगस्त से लापता हो गई थी। परिवार वालों को शक था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ में शादी करने की नीयत से भागी है। उसने हमने तत्काल मामला पंजीबद्ध कर लिया था उसके अपहरण का। उसके बाद हम उसका पता लगा रहे थे। बाद में हमें जानकारी पुख्ता सूत्रों से ये मिली कि वो भोपाल में एक ख़ास इलाके में वो लड़की मौजूद है। हमने उसको लोकेट किया और हमारी टीम ने उसको जाके भोपाल से बरामद किया लड़की को। उस वक्त वो आरोपी वहाँ से फरार हो गया था, लेकिन आज हमने आरोपी को भी यहीं सीहोर के एक गंज एरिया से कहीं से पता करके और उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। उसमें बाद में लड़की के बयानों के आधार पर बलात्कार और जो पॉक्सो अधिनियम के तहत में जो धाराएं होती हैं वो उनका भी उसमें इजाफा किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।